प्रणाम मित्रों, मैं हूं विनय शर्मा और आप देख रहे हैं द विनय टॉक शो। असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत। आप सभी को विजयादशमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम विजयादशमी क्यों मनाते हैं तो आप बड़ी आसानी से मुझे जवाब दे देंगे कि सदियों पहले रावण नाम के एक पुरुष ने एक स्त्री पर कुदृष्टि डाली थी। उसका नतीजा यह है कि आज वर्षों से हम रावण का पुतला फूंकते रहे हैं। फिर मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि आखिर ऐसा क्या है कि हम उन जिंदा रावणों को नहीं जला पाते जो हर साल, हर महीने, हर दिन किसी न किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालते हैं। अभी पिछले सप्ताह की बात है, लखनऊ से मुंबई आ रही पुष्पक एक्सप्रेस में एक 19 साल की बेटी के साथ कुकर्म हुआ और अपराधी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। मेरा प्रश्न सिर्फ आपसे नहीं है, मेरा प्रश्न प्रशासन से भी है, मेरा प्रश्न न्यायपालिका से भी है कि आखिर हम ऐसे कठोर दंड क्यों नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं ऐसे कुकर्मों के लिए कि इस तरह के जो कुकर्म है वो पूरी तरह से बंद हो जाए। मेरे आवेश को एक कविता का रूप दिया हूं, सुनिए कि अर्थ हमारे व्यर्थ हो रहे, अर्थ हमारे व्यर्थ हो रहे, पापी पुतले अकड़ रहे हैं, कागज के रावण मत फूको, जिंदा रावण बहुत पड़े हैं, कुंभकर्ण तो मदहोशी है, कुंभकर्ण तो मदहोशी है, मेघनाद भी निर्दोषी है, अरे तमाशा देखने वालों इनसे बढ़कर हम दोषी हैं। अनाचार में घिरती नारी, हाँ दहेज की भी लाचारी, बदलो सभी रिवाज पुराने जो घर घर में आज पड़े हैं, कागज के रावण मत फूको, जिंदा रावण बहुत पड़े हैं। सड़कों पर कितने खरदूषण, झपट रहे औरों का धन, मायावी मारीच दौड़ते और दुखाते सबका मन, सोने की मृत्यु छलना, दुभर हो गया पेट का पलना, गोदामों के बाहर कितने मकर ध्वजों के जाल खड़े हैं, कागज की रावण मत फूको, जिंदा रावण भूत खड़े हैं।